मोटा काजल लगाने के साथ साथ उसे लॉन्ग लास्टिंग भी कैसे रखेंगे, इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूंगी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मैंने पहले से ही अपने फेस पे फाउंडेशन और फेस पाउडर दोनों भी अप्लाई कर लिया है और उसके बाद मैं एक बहुत ही लाइट कलर का ब्राउन कलर का आई शेडो अप्लाई कर रही हूँ। आई शेडो अप्लीकेशन का जो स्टेप है ये ऑप्शनल है, अगर आपको ये स्टेप स्किप करना है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। As you can see, I have very small and hooded eyes, so I just like to put some eyeshadow before applying my kajal or eyeliner. मैं बहुत ही gently eyeshadow apply कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा pressure नहीं apply करना है while applying the eyeshadow. मैं यहाँ पे एक ब्रश यूज़ कर रही हूँ, आप चाहे तो अपने फिंगर टिप से भी eyeshadow apply कर सकते हैं बहुत ही gently. इसके बाद मैं ये प्रेस पाउडर अप्लाई कर रही हूँ मेरे आँखों के नीचे। अगर आपको काजल को लॉन्ग लास्टिंग और स्मज प्रूफ रखना है तो ये स्टेप बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये जो प्रेस पाउडर है ये आपके जो आँखों के नीचे का जो ऑयल है, मॉइस्चर है, उसे एब्जॉर्ब कर लेगा और आपकी जो काजल एप्लीकेशन है उसे लॉन्ग लास्टिंग बनाएगा। आप कोई भी प्रेस पाउडर ले सकते हैं या फिर कॉम्पैक्ट पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। काजल के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ लैक्मे आइकॉनिक इन ब्लैक। सबसे पहले मैं आँखों को टाइटन कर रही हूँ, जैसे कि आप देख रहे हो इस तरह से मैं स्ट्रेच कर रही हूँ और उसके ऊपर लाइन्स ड्रॉ कर रही हूँ। बहुत सारे लोगों को ये स्टेप करना पसंद नहीं है या फिर उन्हें डर लगता है, बट ट्रस्ट मी ये पेनफुल नहीं है बिल्कुल भी। अगर आप इसे प्रैक्टिस करेंगे 2-3 बार, उसके बाद फिर आप अच्छे से कर पाएंगे। इससे क्या होगा, आपके जो आई लैशेस हैं उससे वो और भी ब्लैक लगेंगे और एक बहुत ही बोल्ड और अच्छा लुक देगा। उसके बाद मैं अपने वाटर लाइन पर इस तरह से काजल अप्लाई कर लूँगी। बहुत ही जेंटली आपको काजल पेंसिल को रन करना है। काजल को थोड़ा सा एक्सटेंड कर रही हूँ मैं आउटर कॉर्नर पे, जैसे कि आप देख रहे हैं। दोनों साइड से मैं ये स्टेप करूँगी। I get a lot of question about which is the best smudge proof kajal pencil. जो भी मैंने प्रोडक्ट इसमें यूज़ किया है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। आप शुगर का जो काजल पेंसिल आता है वो अप्लाई कर सकते हैं। दैट इज़ द बेस्ट काजल पेंसिल दैट आई हैव यूज्ड एवर। इसके बाद मैं आई शेडो अप्लाई करूँगी और उसके लिए मैं ये ब्लैक कलर का आई शेडो यूज़ कर रही हूँ। आप कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। और उसके बाद मैं ये स्मॉल फ्लैट ब्रश लेके इस तरह से काजल जहाँ पे मैंने अप्लाई किया है उसके नीचे डैब डैब मोशन में इस तरह से मैं आई शेडो अप्लाई करूँगी। इट विल मेक श्योर दैट योर काजल स्टेज ऑल डे लॉन्ग, ये स्मज नहीं होगा और ये एक स्मोकी इफेक्ट भी देगा आपके आँखों को, बहुत ही ब्यूटिफुल लगेगा। काजल को और लॉन्ग लास्टिंग और स्मज प्रूफ बनाने के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ एक बहुत ही लाइट आई लाइनर, एंड दिस इज़ अ ब्राउन कलर आई लाइनर। आप ब्लैक कलर भी यूज़ कर सकते हैं बट इट शुड बी 100% वाटर प्रूफ। जहाँ पे मैंने काजल अप्लाई किया है बस उसी के नीचे बहुत ही हल्के हाथ से आई एम जस्ट अप्लाइंग दिस आई लाइनर। दोनों साइड में मैं ये आई लाइनर अप्लाई कर लूँगी। दिस इज़ द फिनिश लुक। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अच्छा लगा तो इसे लाइक एंड शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे कई सारे वीडियोज़ के लिए। बाय गाइज़।